अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे आप सब उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे ओके वंस अगेन वेलकम टू शायद सरज एजुकेशन पॉइंट बेटा आज दूसरा लेक्चर होने वाला है साइंस के रिलेटेड ओके एंड फॉर द पोस्ट सुपरवाइजर और वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल शायद सरज एजुकेशन पॉइंट तो चले बेटा फर्दर डिटेल में बात करेंगे कल का जो लेक्चर था मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा uh, पसंद आया होगा एंड यू हैव फुली अंडरस्टूड दैट इज इंडेड तो बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं सर बहुत अच्छा है आई थिंक थैंक्स टू ऑल माइट अल्लाह के आप लोगों को uh, कल का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया तो उसी को आज हम आगे ले जाएंगे तो कल हमने डिस्कस किया था ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने प्लांट की बात करी थी एंड वी हैव डिस्कसड इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथिस अगर आपको याद होगा तो इसी को आगे ले जाते हैं देखो फोटो पीएचओ फोटो फोटो सिंथे वेरी गुड तो ये ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा इसमें कुछ ठीक है, है बेटा तो क्या आपने सीखा कल जो फोटोसिंथेसिस है बेसिकली फोटोसिथेसिस में लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में है ना बेटा लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी राइट तो फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है सर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज इट ऑकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट राइट ये क्लोरोप्लास्टिक कहां पे होता है बेटा कल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया ये मैंने प्लांट लिया एंड दिस इज द लीफ तो लीफ में जो बीच वाला पोर्शन होता है ना इसको कहते हैं मीजोफिल पार्ट ऑफ द लीफ क्या कहते हैं बेटा मीजोफिल पार्ट ऑफ द लीफ और इसी मीजोफिल पार्ट ऑफ द लीफ में सेल ऑर्गेनिलीज होते हैं जिनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं तो याद रखना है फोटोसिंथेसिस की जो साइट है बेटा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो क्या है सर वो है क्लोरोप्लास्ट क्या है बेटा क्लोरोप्लास्ट वेरी नाइस nice, ऑफ यू द फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखना है सर जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस बेसिकली कहां आकर होती है सर ये प्लांट की प्रोसेस है प्लांट का जो लीफ है लीफ के अंदर जो एक मीजोफिल पार्ट है मीजोफिल के अंदर सर एक सेल ऑर्गेनली है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट जिसका नाम है बेटा क्या क्लोरोप्लास्ट और एक्चुअल साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट लेकिन जब हम क्लोरोप्लास्ट अंदर देखते हैं जब हम इसको अच्छे से डिटेल में इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्लोरोप्लास्ट में होते हैं कुछ पिगमेंट्स वेरी गुड बेटा क्या होते हैं बेटा पिगमेंट्स जिनको हम कहते हैं क्लोरोफिल क्लोरोफिल कहते हैं ठीक है तो क्लोरोफिल चूंकि बहुत सारे हैं वन इज प्राइमरी क्लोरोफिल एंड अदर्स आर क्लोरो पिगमेंट्स तो ये जो क्लोरोफिल्स है ना में इसमें थोड़ा बहुत ऐड कर लूंगा क्लोरोफिल बेसिकली दो किस्म के होते हैं वन इज कार्ड प्राइमरी क्लोरोफिल अनदर इज कार्ड एसेसरी क्लोरोफिल पिगमेंट्स तो क्लोरोफिल क्या है बेसिकली सर ये ग्रीन पिगमेंट है वेरी नाइस ऑफ यू ग्रीन पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट एंड दैट इज एक्चुअली द साइट ऑफ द क्लोरो क्लोरोफिलोफिल ए क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल सी क्लोरोफिल डी क्लोरोफिल ई तो कहा जाता है जो हायर प्लांट्स है ना हायर प्लांट्स में जनरली क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है तो यहां पे मैं लिखूंगा हायर प्लांट्स में शबाश हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है लेकिन जो क्लोरोफिल ए है वेरी नाइस ऑफ यू जो क्लोरोफिल ए है वो हर एक प्लांट में पाया जाता है एक्सेप्ट सर्टेन बैक्टीरिया राइट तो दैट इज वाई इस क्लोरोफिल ए को कहते हैं प्राइमरी क्लोरोफिल और इसको कहते हैं यूनिवर्सल क्लोरोफिल राइट सो जो अदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स है उनको हम कहते हैं एसेसरी क्लोरोफिल पिगमेंट्स आई होप बेटा ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया तो क्या आपने याद रखा सर हमने फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस पढ़ा में हमने ये पढ़ा कि किस तरह से लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें शबाश केमिकल एनर्जी में और साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस बेसिकली लीफ है लीफ का कौन सा हिस्सा सर मीजोफिल पार्ट और मीजोफिल ही क्यों क्योंकि इसमें बहुत सारे अबंडेंट क्लोरोप्लास्टिस मिलते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो कि लाइट को कैप्चर करते हैं ठीक है लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं और यह मदद देते हैं कन्वर्जन ऑफ दिस होल प्रोसेस इनटू द ऑर्गेनिक मैटर दैट इज ग्लूकोज ट इज ग्लूकोज आई होप बेटा आपको समझ आ गया सर ये जो क्लोरोली बहुत सारे हैं ए है बी है सी है, 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 e है लेकिन इनमें से सर ए एंड बी जो है, ये higher plants में पाया जाता है लेकिन सर जो ए है क्लोरो जाता है एक्सेप्ट बैक्टेरिया यू गॉड मे पॉइंट सर ए जो है यह सब में पाया जाता है इसको सर हम प्राइमरी क्लोरोफिल पिगमेंट कहते हैं या इसको हम यूनिवर्सल पिगमेंट कहते हैं सर जो बाकी है ना उनको हम एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं समझ आया आया बेटा वेरी गुड तो रहा सवाल सर ये क्लोरोफिल ए जो है इसमें एक एक दो बार मैंने एक दो क्वेश्चन देखे हैं बेटा ये जो क्लोरोफिल ए है ना बेटा इसका जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं केमिकल कंपोजिशन क्या देखते हैं केमिकल कंपोजिशन सर केमिकल कंपोजिशन अगर हम देखेंगे केमिकल मैं रैंडमली टॉपिक उसको उठा रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा सर केमिकल कंपोजिशन ऑफ वट क्लोरोफिल ए वेरी गुड क्लोरोफिल ए कहते हैं इसका टैड पोड लाइक स्ट्रक्चर है टैड पोड लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस और ये जो इसका सर है इसको कहते हैं पोरिफाइरिन रिंग रिंग और टेल को कहते हैं फाइटोल पॉरिफाइर रिंग एंड फाइटोल टेल तो फाइटोल टेल जो है इसको अल्कोहलिक ग्रुप्स अटैच होते हैं अल्कोहलिक ग्रुप्स लेकिन क्वेश्चन क्या आया ये जो क्लोरोफिल का हेड है ना इसके बीच में एक नॉन आयनिक एक एलिमेंट होता है दैट इज मैग्नीशियम ये क्वेश्चन आया है कि आप मुझे बताओ कि क्लोरोफिल में सेंट्रल कौन पाया जाता है वहां पे कैल्शियम दिया गया होगा आयरन दिया गया होगा मैग्नीशियम दिया गया होगा एंड एल्यूमिनियम दिया गया होगा तो यू हैव टू रिमेंबर डियर कि जो क्लोरोफिल ए का केमिकल कंपोजिशन है इट इज मेड हेड पार्ट एंड टेल पार्ट टेल पार्ट इज कॉल्ड फाइटॉल याद रखना याद रखना टेल पार्ट इज कॉल्ड फाइटॉल क्या याद रहा फाइटॉल इसका केमिकल कंपोजिशन अल्कोहलिक ग्रुप्स और ये जो पॉरिफाइरिन रिंग पॉरिफाइरिन रिंग इसमें एसिटाइल इस ग्रुप्स वगैरह मिथाइल ग्रुप्स अटैच होते हैं मिथाइल ग्रुप्स अटैच होते हैं और सेंट्रल एटम जो होता है ना इसमें दैट इज मैग्नीशियम और ये चार नाइट्रोजन एटम से जुड़ा हुआ होता है लाइक like दिस नाइट्रोजन 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 सर ऐसे तो याद नहीं रहेगा भाई याद रखना है याद रखना है क्या मसला है मैंने कहा कि क्लोरोफिल ए का जो केमिकल कंपोजिशन है इसका हेड पोर्शन है और इसका टेल पोर्शन है सर हेड पोर्शन में मैग्नीशियम में सेंट्रल एटम है एंड इट इज अटैच्ड विद फोर नाइट्रोजन ग्रुप्स माय डियर इट इज कॉल्ड पॉरिफाइर रिंग क्या पॉरिफाइर रिंग एंड सर ये जो टेल है ना टेल को कहते हैं फाइटॉल टेल एंड इसमें अटैचमेंट है अल्कोहलिक ग्रुप्स समझ आया बेटा सो so, ये थोड़ा इंफॉर्मेशन थी इंपॉर्टेंट जो कि चांसेस है एग्जाम में आने का क्योंकि ये बार क्वेश्चन एक बार आ चुका है मैग्नीशियम और मुझे लगता है कि मैग्नीशियम कितने अटम से अटैचेड है चार तो ये क्वेश्चन आ सकता है गॉट मई पॉइंट माइ डियर वेरी नाइस ऑफ यू तो चलिए असल में मुझे क्या कहना था अब आप लोगों को समझ आ गया सर ये जो फोटोसिंथेसिस है फोटोसिंथेसिस जो है इट इज एक्चुअली ए प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इन टू द केमिकल एनर्जी तो याद रखो इसमें तीन प्रोसेसेस है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो कितने प्रोसेसेस है सर इसमें तीन प्रोसेस पहला प्रोसेस क्या है बताओ मुझे सबसे पहला प्रोसेस है अगेन आई विल शो इट हियर यहां पे सनलाइट है तो डायरेक्टली अब ये कहां पे आएगा ये प्लांट पे पड़ेगी ना वेरी गुड लाइट की अगर हम बात करेंगे तो पहला है ये प्लांट जो है ये लीव जो है ये पहले एब्जॉर्ब करेगी किसको सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी तो दैट एब्जॉर्बन एब्जॉर्बशन ठीक है अब एब्जॉर्बेशन करने के बाद एब्जॉर्ब करने के लिए अंदर कौन बैठा है जो एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कैपेसिटी है पोटेंशियल है ये इस एनर्जी को ट्रैप करता है क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं आर यू गेटिंग गेटिंग पॉइंट पॉइंट रियली वेरी नाइस ऑफ यू तो लाइट गेट इज इस्बड कैसे एब्जॉर्ब कहां पे? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट अंदर होता है ना बेटा वेरी गुड एब्जॉर्बेशन के बाद अब क्या होगा अब क्या होगा यहां से तो वाटर आ रहा है एटमोस्फियर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है देखो भाई लीफ का जो निचला वाला हिस्सा है वहां पे छोटे छोटे सुराख होते हैं उनको कहते हैं बेटा स्टोमेटा क्या कहते हैं बेटा स्टोमेटा और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये इन्हीं स्टोमेटा से लीफ के अंदर आ जाता है और यहां से वाटर आ जाता है और ये यहां से मिल रहे हैं तो देर इज कन्वर्जन देर इज वट कन्वर्जन होता है किसको लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी इंटू तो दूसरा प्रोसेस जो है दैट इज कन्वर्जन और जब कन्वर्जन होता है ना बेटा आपको पता है लास्ट में क्या होता है एग्जैक्टली देयर इज रिडक्शन देयर इज रिडक्शन देखो अगर आपको याद होगा मैंने आपको कहा था एच टू ओ प्लस सी ओ टू या सी ओ टू प्लस एच टू ओ ठीक है सिक्स टाइम्स सी ओ टू सिक्स एच टू ओ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल सी सिक्स एच ओ सिक्स प्लस ऑक्सीजन ठीक है ना बेटा यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड होता है हाइड्रोजन तो अगर हाइड्रोजन ऐड हो गया सर इट इज कार्ड रिडक्शन वेरी गुड तो कौन सा क्वेश्चन आएगा बेटा कि फोटोसिंथेसिस में किसकी रिडक्शन होती है और किसकी ऑक्सीडेशन होती है तो यहां पे आप याद रखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गेट एस रिड्यूसड इन टू वट वी कॉल्ड एज ग्लूकोज ग्लूकोज और हाइड्रोजन से देखो इस वाटर से हाइड्रोजन चला जाता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन. और ये वाटर कन्वर्ट होता है किसमें ऑक्सीजन में जो हम लेते हैं तो कौन सा चीज यहां पे ऑक्सीडाइज हुआ सर वाटर गेट इज ऑक्सीडाइज कार्बन डाइऑक्साइड गेट इज रिड्यूस्ड सो माय डियर का ये एक क्वेश्चन बोला था किसी बच्चे ने मुझे बोला था कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिड्यूस होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से सर वाटर में कैसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन राइट जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ते हैं तो ये भी एक डेफिनेशन है ठीक है बच्चा ओके okay, तो व्हाट इज नाउ फोटोसिंथेसिस सर इट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड गेट इज रिड्यूस्ड टू द ग्लूकोज एंड वाटर इज रिड्यूस्ड इनटू द ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज गैस जो हम ले रहे हैं क्चुअलीसिज ऑफ वॉटर वॉटर ब्रेक डाउन होता है और हां हां और एक क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में भी ओ है, है लेकिन यह ऑक्सीजन कहां से आता है पहली बार पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता नहीं चला ये ऑक्सीजन कहां से निकला तो लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए तो इससे साफ जाहिर होता है कि वेन ऑक्सीजन वेन वॉटर मॉलिक्यूल गेट्स ब्रेक ब्रोकडाउन तो जब ये ब्रेक होता है सुप्लिट होता है तो इसी से ऑक्सीजन निकलता है तो वहां अब ऑक्सीजन कहां से निकला निकलता है हाइड्रो ये सॉरी वॉटर मॉलिक्यूल से आई होप बेटा यू गॉट माई पॉइंट सो दिस वॉज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ वट फोटोसिंथिस आई होप बेटा यू गॉट इट यू गॉट इट वेरी नाइसली देखो बेटा चूंकि आपका जो ये जो है ना सुपरवाइजर का पोस्ट है यहाँ पे वो डिटेल में नहीं जाना है कि फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म हमें समझाओ कितने एटीपी टीपी बनते हैं कितने एडीपी नो no, इतना सारा वो डिस्कस यहाँ पे नहीं होगा टू द पॉइंट इंशाल्लाह आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं ठीक है लेकिन हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पे और एक है इंपॉर्टेंट है तो इसी के साथ फोटोसेंथिसिस का पार्ट आज हम कंप्लीट करेंगे वो क्या है सो वट आर द रॉ मेटीरियल्स वेरी गुड रॉ मेटीरियल्स रॉ मेटीरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटो सिंथिस फोटो सिंथेसिस इट्स वेरी सिंपल ये हमने पढ़ यह हम पढ़ चुके हैं बेटा बार बार मैं आपको एक्सप्लेन करता आया हूं जो रॉ मेटीरियल है सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड इसी में मैं फैक्टर्स को भी लाऊंगा पहले रॉ मेटीरियल होगा तो उसके बाद फैक्टर्स है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे देखो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर तो ग्लूकोज का बनना नामुमकिन है इसलिए द फर्स्ट फैक्टर एंड ऑल्सो द रॉ मेटीरियल दैट इज यूज फॉर द फोटोसेंथिस इज कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है हमारे एटमोसफेयर में जीरो पॉइंट जीरो परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल इंक्रीज होती है तो फोटोसेंथिस इंक्रीज होगा लेकिन अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की रेट इंक्रीज हुई तो डेफिनेटली फोटोसेंथिस लिमिट तो कार्बन डाइऑक्साइड कैन एक्ट एज ए लिमिटिंग फैक्टर अगर कार्बन डाइऑक्साइड हाँ नो डाउट कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज फोटोसिंथेसिस आल्सो इंक्रीज व्हाई बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्री रिक्यूजिड रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस दैट इज व्हाई इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज द फोटोसिथिस बट अप टू द सर्टेन लिमिट सो व्हेन देयर लिमिट बियॉन्ड दैट लिमिट फोटोसिंथेसिस की रेट डिक्रीज होती है गॉट मे पॉइंट वेरी गुड सो नाइस ऑफ यू नंबर नेक्स्ट इज सर वॉटर वेरी नाइस ऑफ यू कहा जाता है ओनली वन परसेंट एक्स जी बेटा तो सो फार एज वॉटर इज कंसर्न तो हाउ मच वॉटर इज प्रेजेंट तो उसमें से कहा जाता है कि ओनली वन परसेंट इज नीडेड फॉर फोटो सिंथेसिस एंड दिस हार्डली एक्टिस एज ए लिमिटिंग फैक्टर है तो यहां से भी जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ फोटो से ज्यादा होगा लेकिन अगर ये ज्यादा ऑक्सीजन सॉरी वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा बढ़ गई तो इससे भी फोटोसिंथेसिस uh, पे इफेक्ट होगा सो दैट इज फोटो एक तो वाटर लिमिटिंग फैक्टर है दूसरा ये रॉ मटेरियल भी है फॉर द फोटोसिंथेसिस ठीक अनदर जो फैक्टर है बेसिकली ये दीज टू आर द टू रिक्विजिट मेटीरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड अदर फैक्टर जो है एक तो कार्बन डाइऑक्साइड फैक्टर भी है raw मेटीरियल भी है हाइड्रो वॉटर uh, रॉ मेटेरियल भी है एंड फैक्टर भी है तीसरा है अगर हम लाइट की बात करेंगे देखो भाई सो फर एज लाइट इज कंसर्न तो बहुत सारे रेज हैं इनमें से एक विजिबल रेंज है लाइट का जिसका वेव लेंथ है से फॉर एग्जाम्पल ये फोर हंड्रेड एंड टू सेवन हंड्रेड एंड कुछ लिख रहे हैं थ्री हंड्रेड सेवेंटी नाइन को फोर हंड्रेड दिस सिक्स हंड्रेड समथिंग बट इस रेंज में विजिबल लाइट का रेंज होता है और आपको पता है लाइट में देर अ कॉन्सेप्ट ऑफ विब ग सात कलर्स है उन सात कलर्स में से कौन से ऐसे दो कलर्स है जहां पे फोटोसिंथेसिस से सबसे इफेक्टिव है यस माय डियर दैट इज ब्लू एंड रेड लाइट तो ये इंपॉर्टेंट है ब्लू एंड रेड लाइट इज द मोस्ट इफेक्टिव मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस टू ऑकर फोटोसिंथेसिस टू ऑकर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सो लाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर दैट इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर वट

इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट आर रेस्पॉन्बल फॉर फोटोसिथिस पार्ट इनशा इनशा जब हम न्यूट्रिशन का पार्ट कंप्लीट करेंगे इसके बाद हमें हिटीरोपिक न्यूट्रिशन पढ़ना है जिसमें हमें डाइजेशन पढ़ना है शॉर्ट शॉर्ट ही पढ़ेंगे लेकिन सारा पढ़ना है उसके बाद वन इस न्यूट्रिशन पार्ट ओनली इज कंप्लीट तो इसके रिलेटेड हम एम डिस्कस करेंगे लगभग लगभग बीस तीस एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और बेटा मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को आज का लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझ आ गया मुझे आपका ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट चाहिए ठीक है और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो प्लस शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल बिकॉज एज पर शायद सर शेयरिंग इज केयरिंग और हां बेटा हमारा जो सुपरवाइजर जो सोशोलॉजी वाला पार्ट है वह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्वेंटी फिफ्थ जैन को एंड द टाइमिंग इज नाइन पी एम इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू ज्वाइन माई क्लास आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हो एंड यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन शायद सर्ज एजुकेशन पॉइंट अगर इफ यू फील एनी डिफिकल्टी यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑलरेडी आई हैव अनाउंसड माई कॉन्टैक्ट नंबर्स इन सो मेनी लेक्चर्स सो यू कैन फाइंड दैट ओके वंस अगेन थैंक यू मे अला ब्लेस यू एंड कीप ऑल इज लर्निंग